क्या देख रखा क्वेश्चन नंबर फोर कि इफ 8.5% ऑफ अ नंबर इज 51 फाइंड द नंबर, है ना। यदि किसी संख्या का 8.5% कितना हो 51 हो तो वो संख्या ज्ञात करें। तो कैसे निकलेगा, हम लोग क्या करेंगे उसको सॉल्यूशन करने के लिए मान लेंगे कि वो संख्या क्या है, x है। तो लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो क्या हो जाएगा 8.5% ऑफ x, यानी उस संख्या का 8.5% और ये कितना के बराबर है 51 के बराबर, ठीक है। तो यहां से क्या निकालिए आप, x का वैल्यू निकालना है, यानी 8.5% को हटाने के लिए बटे में 100, ऑफ को हटाने के लिए गुना, इनटू x बराबर 51। और यहां से अगर x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 51 जो डिवाइड में वो इनटू में हो जाएगा और जो इनटू में है दैट विल बी डिवाइडेड। यहां से क्या हो जाएगा पॉइंट बढ़ाएगा तो ऊपर में 10, है ना। यहां से काटिए 17 5 85 17 51, 5 से काटिए तो 5 2 10, तो कितना हो गया 3 2 6 600, यानी वो संख्या क्या है 600 है जिसका 8.5% कितना के बराबर होगा 51 के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रखा है कि इन अ क्लास टेस्ट भारती स्कोर्ड 410 मार्क्स, इफ शी गोट 82% मार्क्स फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। यानी क्या हुआ कि कोई क्लास में टेस्ट हुआ जिसमें भारती को 410 नंबर मिले और 410 नंबर अगर टोटल मार्क्स से इसको कैलकुलेट किया जाए तो वो कितना परसेंट होगा 82%। तो आपको यह बताना है कि टोटल मार्क्स कितना था उसमें, मैक्सिमम मार्क्स कितना था। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, मान लेंगे कि जो मैक्सिमम मार्क्स था वो x था, है ना। तो लेट द मैक्सिमम मार्क्स इन द टेस्ट बी x, है ना। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि वो x का अगर 82% लाई है तो उसको कितना नंबर मिला 410 नंबर। इट मीन्स वी कैन राइट हियर कि 82% ऑफ x इज इक्वल टू 410, समझाया। और यहां से फिर एज इट इज क्या कर लेंगे हम लोग, वी विल रिमूव द साइन ऑफ परसेंटेज, सो वी विल हैव टू डिवाइड इट बाय 100 एंड वी विल, इफ यू विल रिमूव ऑफ देन पुट द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड x इक्वल टू 410। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो x विल बी 410 इंटू 100 एंड अपॉन 82, ठीक है। अब यहां से काटने की कोशिश कीजिए, देखिए 41 2 410, 41 2 82, 2 5 6 10, इसका मतलब कितना हो गया 5 गुना 100 500 नंबर। इसका मतलब वो जो टेस्ट लिया गया है उसमें मैक्सिमम मार्क्स कितना है 500 का, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई कीजिए पहले, उसके बाद इसको देखिए।